हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आपसे आप लोगों के साथ एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाला हूं और इस यूनिट का नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप फर्म को लेकर। सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट था। यस, पार्टनरशिप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 11th चैप्टर था और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 239 से लेकर 266 तक पार्टनरशिप के प्रोविजन थे, लेकिन बाद में इस एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेपरेट कर दिया गया। लेकिन अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। लेकिन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? वो प्रोविजंस जो कि पार्टनरशिप एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो। दैट मींस कि ये सेक्शंस जो हट चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ये पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल नहीं होते। तो आपने अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो लास्ट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का है। उसके बाद जो सेक्शन थे वो पहले पार्टनरशिप के हुआ करते थे, लेकिन 1932 में इसके लिए एक सेपरेट एक्ट आ गया। और कब आया? 1 अक्टूबर 1932। लेकिन एक सेक्शन ऐसा था पार्टनरशिप का जिसे 1 अक्टूबर 1933 से एप्लीकेबल किया गया। यह सेक्शन किस बारे में था? यह सेक्शन था कि अगर फर्म का नॉन रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसके इंपैक्ट क्या होंगे। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं होता। यस, इट इज ऑप्शन। तो इनिशियली गवर्नमेंट ने एक साल का टाइम दिया था ताकि सब लोग अपनी फर्म्स को रजिस्टर करवा लें, और उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है एंड अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। लेकिन अनरजिस्टर्ड अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो किसमें लिखा हुआ था? वो लिखा हुआ था सेक्शन 69 में, और ये सेक्शन 69 एक साल बाद एप्लीकेबल हुआ था, राइट। और पूरे के पूरे इस पार्टनरशिप एक्ट में जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये अलग होके आ गया ना, तो इसमें 74 सेक्शंस आ गए थे। हम अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सुनते हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप एंड उससे ऊपर नेक्स्ट लेवल किसका आ गया? नेक्स्ट लेवल आ गया प्राइवेट कंपनी का या फिर पब्लिक कंपनी का। LLP भी एक एग्जांपल है। तो जिस तरह की जरूरत होती है, जिस तरीके का बिजनेस होता है, जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग इंडिया में लोग ये चूज करते हैं कि वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करेंगे। क्या वो प्रोप्राइटरशिप होगी, क्या वो पार्टनरशिप होगी, या वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी होगी। पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, ये बात पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई। ये बात पुराने वाले कंपनीज एक्ट, यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 11 में लिखी हुई थी। और कितनी लिमिट थी? लिमिट थी 10 और 20। बैंकिंग है या नॉन बैंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग 10 से 20 लोगों की लिमिट थी। लेकिन नए वाले कंपनीज एक्ट में इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया। कंपनीज एक्ट में लिमिट को बढ़ाया और उसके बाद एक रूल 10 आया, और अब इंडिया में पार्टनरशिप फर्म के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट है, दैट इज 50। यस, अब जो लिमिट है वो है 50। अगर 50 से ज्यादा होंगे तो वो इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी। लेकिन 50 के लिमिट के साथ साथ अब ये नहीं लिखा हुआ कि बैंकिंग नेचर का अगर बिजनेस है तो कितने पार्टनर्स होंगे और नॉन बैंकिंग का होगा तो कितने पार्टनर्स होंगे। तो पहले जो 10-20 की लिमिट थी ना, अब नए वाले कंपनीज एक्ट में वो लिमिट 50 की हो चुकी है। अब जरा ये बात करते हैं कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है एंड पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. So, इसी डेफिनेशन को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, और पार्ट्स में डिवाइड करके, इस डेफिनेशन को डिवाइड करके इसके फीचर्स को निकाला है। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons, और सब लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप जो है ना वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है। क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला है?
क्या ये वैलिड एग्रीमेंट होता है? द आंसर इज यस। पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड जिसे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है ना, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। अब उसे हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब इट्स ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो बेसिकली देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना रिक्वायर्ड बता रखा है कि पार्टनर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। दूसरा पॉइंट, बिटवीन टू और मोर पर्संस, बिटवीन टू और मोर पर्संस। अब पर्सन की डेफिनेशन यहां पे क्या होगी? देखिए पर्संस की डेफिनेशन में ना नेचुरल पर्सन भी आएगा और साथ ही साथ आर्टिफिशियल पर्सन भी आएगा। हाँ, नेचुरल पर्सन के अलावा आर्टिफिशियल पर्सन भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, नेचुरल पर्सन के अलावा आर्टिफिशियल पर्सन भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, यानी कि एक कंपनी भी पार्टनर बन सकती है, एक कंपनी भी पार्टनर बन सकती है। बट व्हाट अबाउट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? क्या दो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? देखिए सबसे पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है ना, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली केस में क्या होगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली केस में तो कर्ता होता है, तो उस केस में वो लोग अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर्स बन सकते हैं। सो द पॉइंट इज, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर कोई नेचुरल पर्सन भी बन सकता है एंड कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी बन सकता है, राइट। थर्ड पॉइंट इज, हु एग्री टू कैरी ऑन ए बिजनेस, हु एग्री टू कैरी ऑन ए बिजनेस। यहां बिजनेस वर्ल्ड का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस में ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन तीनों चीजें आती है, कोई भी ट्रेड हो या ऑक्यूपेशन हो या प्रोफेशन हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कोई सिंगल ट्रांजेक्शन किया ना, तो वो कभी बिजनेस के डेफिनेशन में नहीं आता। सिंगल ट्रांजेक्शन किस तरीके से हो गया? मान लीजिए हम लोगों ने मिलकर कलेक्टिवली गुड्स खरीद लिए और गुड्स खरीद के उसे हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, क्या ये बिजनेस है? द आंसर इज नो, ये बिजनेस नहीं है। आगे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। आपने और मैंने, हम लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली और प्रॉपर्टी परचेज करके उस पर बहुत बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा दिया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा के उसे रेंट पे दे दिया और हमें हर महीने उसका 4 लाख रुपए रेंट आता है, 2 लाख रुपए आपका, 2 लाख रुपए मेरा। क्या हम पार्टनर्स हुए? हम को ओनर्स तो हैं लेकिन हम पार्टनर्स नहीं हुए। द रीजन इज कि ये जो इनकम फ्रॉम रेंट आ रही है ना, इसमें देयर इज नो बिजनेस, और बिजनेस होना चाहिए, को ओनरशिप नहीं चलेगा। को ओनर को जो रेंट मिल रहा है ना, वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो वन टाइम ना हो, वो एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस हो। लेकिन अगर हम लोग मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करते हैं, हर रोज निकलते हैं प्रॉपर्टी सेल करवाते हैं, प्रॉपर्टी बिकवाते हैं, प्रॉपर्टी बाय एंड सेल करवाते हैं, तो उस केस में जो कमीशन हम शेयर करते हैं ना, वो पार्टनरशिप में शामिल हो सकता है, जो पैसा मिलता है, क्योंकि वो डेली एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं। उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे बीच में ट्रेड, ऑक्यूपेशन या क्या है, प्रोफेशन है, राइट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यह कहता है, अपने मैनेजर से यह कहता है कि जितनी भी मेरी सेल होगी ना, मैं उस सेल में आपको कमीशन दूंगा, और पर्पज यह है ताकि उसका एम्प्लॉय दिल लगा के काम करे, क्योंकि जितनी सेल होगी उसके अकॉर्डिंग उसे कमीशन मिलेगा, और कमीशन का मतलब उसे प्रॉफिट में यानी कि सेल्स में शेयर मिलेगा। तो क्या वो मैनेजर या क्या वो एम्प्लॉय पार्टनर की डेफिनेशन में आएगा? द आंसर इज नो। एक क्रेडिटर ने एक डेटर को लोन दे रखा है और डेटर ने कहा है कि जो पैसा आप मुझे दे रहे हो, इस पैसे को मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा और जो उससे रिटर्न आएंगे, रिटर्न से मैं आपका इंटरेस्ट की पेमेंट कर दूंगा और आपको प्रिंसिपल अमाउंट की भी रिपेमेंट कर दूंगा। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या यहां भी तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है? अब क्वेश्चन ये आया कि यहां भी तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन क्या वो क्रेडिटर उस डेटर का पार्टनर बन गया? आंसर इज नो। वो मैनेजर या एम्प्लॉय भी अपने एम्प्लॉयर का पार्टनर नहीं बनेगा, क्योंकि सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करने से
ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करने से कोई पार्टनर नहीं बनता। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर टू डिसाइड कि पार्टनरशिप है या नहीं है, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, द डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, राइट। एंड लास्ट पॉइंट इज द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का सिंपल सा मतलब होता है करे कोई भरे कोई। दैट बेसिकली मींस कि मैं एक प्रिंसिपल हूं और आप मेरे एजेंट हैं। अब मैं एक प्रिंसिपल हूं, आप मेरे एजेंट हैं, आप जो भी काम करेंगे मेरे बिहाफ पे उसके लिए मैं लायबल रहूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको यह कहा कि आप मेरे लिए एक प्रॉपर्टी परचेज कर लीजिए और प्रॉपर्टी की प्राइस थी 1 करोड़ रुपीज, और आपने अगर प्रॉपर्टी का एडवांस दे दिया है मेरे बिहाफ पे, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मैं लायबल हूं। अगर मैंने आपसे ये कहा है, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, कि मेरी प्रॉपर्टी सेल करनी है, आप मुझे इसमें हेल्प कीजिए, आपने बात की बायर से और आपने बायर से एडवांस ले लिया, बायर से एडवांस आपने मेरे बिहाफ पे ले लिया, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया। आपके थ्रू प्रॉपर्टी मुझे बायर को देनी थी, लेकिन मैंने देने से मना कर दिया। अब वो बायर मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है, ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था, बायर मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है। उसका रीजन क्या है? कि जो एजेंट करता है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, जो भी एजेंट करेगा उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। और पार्टनरशिप में हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, तो एक पार्टनर जो भी करेगा ना, बाकी सारे के सारे पार्टनर्स उसके लिए लायबल होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि पार्टनरशिप में ना पाप कॉन्सेप्ट वर्क करता है। पाप कॉन्सेप्ट, पार्टनर एजेंट प्रिंसिपल, यानी कि एक ही एक पार्टनर एक टाइम पे 3 रोल प्ले करता है, पार्टनर का भी, एजेंट का भी एंड प्रिंसिपल का भी। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है कि अगर ये सारे एलिमेंट्स होंगे तो हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप है, और अगर ये सारे एलिमेंट नहीं है तो हम नहीं कह सकते, यानी कि इनमें और नहीं है, इनमें एंड होगा। जब ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ना, तब जाके पार्टनरशिप बनेगी। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं और डिस्कस करना चाहूंगा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कभी भी पार्टनर नहीं बनता। दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर की डेथ हो गई, दैट डज नॉट मीन कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पर्सन का, उस पार्टनर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाएगा। ऐसा कंपनी में हो सकता है कि कंपनी में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो शेयर होल्डर बन जाएगा और फिर बाद में वो कंपनी का मेंबर भी बन सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में ये पॉसिबल नहीं है। अगर दो पार्टनर्स हैं, एक की डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, उन्हें एक नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा और तब जाकर एक नई पार्टनरशिप बन सकती है, राइट। तो ये मैंने पार्टनरशिप के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आपके डिस्कस किए। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और प्रिंसिपल्स की बात करूंगा रिलेटिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और आप लोग प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए। वेल, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Stay tuned for more videos. Thank you so much.